अकाम सर्व काम वमोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्षिदोगेन जजेत पुरुषम परम। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताए, ये समाज का जितना सारे बद्ध जीव है, ये सब बद्ध जीवों का उद्धार के लिए गौड़िया मठ का वास्तव जो साधु है, गैलन गैलन अपना खून को देने के लिए तैयार रहो। गैलन गैलन खून ब्लड देने के लिए तैयार रहना। अब उसका बाद भी कोई गारंटी नहीं वो लोग उद्धार हो पाए कि नहीं, क्योंकि जीव स्वतंत्र है। जीव का जो स्वतंत्र भाव है, किसी भी हालत से जाना संभव नहीं, किसी भी हालत से। एक तरीका है, वो है शुद्ध गुरु वैष्णव का चरण में शरण लेना। इतना प्रयास प्रचेष्टा के बाद भी ये सब दुनिया का आदमी साधु संतों को अपमान करने के लिए, निंदा करने के लिए, मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर भी साधु संतों उसको प्यार करता है। ठाकुर जी का संबंध में जगत को दर्शन करते हैं, इसीलिए दोष दर्शन नहीं है। किसका भी निंदित निंदा करे, चुगली करे, कितना भी मारने का कोशिश करे, अनिष्ट करे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु का वो जो विचार है, वृक्ष यनो काटी ले किछु न बोलाए, सुकाई रा बोले कारो पानी न मंगाए, जेई जा मांगे तारे दे अपन धन, घर मिष्ट सहे आनेर करे रक्षण। जब तक तीनादो विभाव सिद्ध ना हो जाए किसी का जिंदगी में, जब तक तीनादो विभाव सिद्ध ना हो जाए, तब तक वो हरि कीर्तन हरि कथा का लिए काबिल नहीं है। ही इज नॉट फिट क्वालिफाइड। वो हरि कथा हरि कीर्तन के लिए ही इज नॉट क्वालिफाइड, उसका कोई योग्यता है नहीं। जितना भी मुखस्थ कर ले, पूरा शास्त्र कीर्तन करे, कुछ भी करे, बा अ ड्रॉप ऑफ डायरेक्ट रियलाइजेशन ही कैन नॉट गेट। वास्तव जो शुद्ध अनुभव, शुद्ध भक्ति तमाम जिंदगी में इसको नहीं मिलने वाला है, और उल्टा अपराध के कारण जन्म जन्म इसको कष्ट भोग करना पड़ेगा। महाप्रभु ऐसा बहुत बताया, चापाल गोपाल को भी गाली दिया, तेरे को रक्षा करे, जन्म जन्म तेरे को हम कष्ट देंगे, तो कुछ तो कुछ नहीं हुआ, अब तो तेरा अपेक्षा है, रुक जा रुक जा। ऐसा करके भक्तों लोग कोई दोष नहीं देखता, लेकिन भगवान भक्तोद्देशी व्यक्तियों को अनंत काल नरक में पचा के रख देता है, एकदम नरक में सड़ जाता है, फिर भी ठाकुर जी का दया नहीं होता, नियम है। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अपना बचपन का एक सुंदर कहानी बताया। बिमला प्रसाद सरस्वती बचपन में बोले, कलकत्ता में एक जगह जिसका नाम है बेलगेशिया, नाम सुना है बेलगेशिया, वहाँ हॉस्पिटल है। बेलगेशिया का आगे एक हॉस्पिटल है, उसका बाद जो है वहाँ पशुओं का हॉस्पिटल, पहले तो आदमियों का हॉस्पिटल है, उसका बाद पशुओं का हॉस्पिटल है, पशु हॉस्पिटल। वो बात बोलते हैं, हम बचपन में एक गुरुजनों गुरुजन हमको हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, रास्ते से चल रहा था, अचानक कानों में बहुत बहुत एकदम शोर चिल्लाना आवाज़ आया, बहुत चिल्ला रहा है, कौन बोले घोड़े का आवाज़, इतना बीभत्स आवाज़ कि सुनने से डर जाओगे, घोड़े का आवाज़। और पोपा जी बोले,
हम तो बच्चा थे, हम डर गए, क्या बात है इतना चिल्ला रहा है घोड़ा। बाद में देखा चार पांच आदमी एक घोड़े को जोर जबरदस्ती सुलाया, सुला के उसका पैर को ऑपरेशन कर रहा है, क्योंकि पैर में कोई इन्फेक्शन हो गया, ऑपरेशन काट रहा है। और वो घोड़े जो है इतना चिल्ला रहा है, इतना चिल्ला रहा है कि मानो कि उसको मारने के लिए सवार है। प्रभुपाद बोले बचपन में मेरा ये शिक्षा बड़ा काम पे आया। बोले कौन सी काम पे? बोले देखो ये घोड़े का मंगल करने के लिए चार पांच आदमी उसको सुला के डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, पर उसका पता नहीं है कि हमारा मंगल कर, वो चिल्ला रहा है। ऐसा ही है हमारा वर्तमान भक्त समाज का अवस्था। उसका मंगल के लिए आए हैं गुरु वैष्णव, शुद्ध गुरु वैष्णव सब, लेकिन उसको जानकारी नहीं। वो चिल्ला चिल्ला कर उसको मारे, निंदा करे, चुगली करे, ऐसा करे। ऐसा मंदिर भगवान का भजन के लिए नहीं है। इसको प्रभुपाद जी बोले ये मठ नहीं है, कोमठ है। कोमठ जानते हो? कोमठ जानते नहीं हो? मठ नहीं है, इसको कोमठ बोला जाता है। मठ में तो ठाकुर जी का भजन होता है, साधु संत तो कीर्तन करता है, भजन करता है, आनंद ही आनंद। यहाँ आनंद कहाँ है? आनंद तो दिखाई नहीं पड़ता हमको, हमको तो आनंद दिखाई नहीं पड़ता। आनंद कहाँ? भजन करे, भक्ति करे तो उसमें आनंद होता है, आनंद कहाँ? यही बात जो श्लोक दे के शुरुआत किया था उसी चर्चा में आ जाए। अकामो सर्व काम वा मोक्ष काम उदारथी तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। ये श्लोक के द्वारा काल चर्चा किया था, पूरा चर्चा हो नहीं पाए। जिसका अंदर में कोई कामना वासना नहीं है, ठाकुर जी का कृपा से पूरा मुक्ति, विषयों से छुटकारा पाना। आप सोचते हो कि भजन में बड़ा बात है, विषय से छुटकारा पाना ये मिनिमम चीज है भजन में, ये कोई बड़ा बात नहीं है। हम विषय से छुटकारा मिल गया, बड़ा हुआ, हम बड़ा साधु नहीं। विषय से छुटकारा मिला, दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। जैसे किंडरगार्टन है ना, किंडरगार्टन बच्चा लोगों को ले जाता है, किंडरगार्टन है, KG 1 भी नहीं, किंडरगार्टन। विषय से छुटकारा पाना ये तो प्रभुपाद बोलते ये तो अनायास हो जाता है। लेकिन हो नहीं क्यों पा रहा है, हो क्यों नहीं पा रहा है, क्या कारण है? बोले इसका कारण है, बहुत सारे कारण है इसका पीछे, एक एक करते बताते चले तो टाइम खा लेगा। एक कारण है बड़ा अपराध, ये सब बारे में हमने पंजाब में रूपनगर ये सब जगह में चर्चा किया। वहाँ पंजाब किशोरी का रिपोर्टर आदि था, हमको पता नहीं था, हम हरिकथा बोला नेक्स्ट डे प्रकाशित किया अखबार में। हमने बोला देखो ये जो बहुत आदमी क्वेश्चन करता है, ये भजन में आ रहा है, हम भजन में उन्नति क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्या है? हमने एक उदाहरण दे दिया, बहुत सारे प्रमाण तो देने का समय नहीं है। हमने बोला देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखा नहीं जानता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम परीक्षा दे है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें 100 नंबर का एग्जाम है और 100 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में एक नंबर है, अगर ठीक करोगे तो एक नंबर मिलेगा, एक नंबर मिलेगा यदि ठीक आंसर दोगे, अगर गलत करोगे तो माइनस हो जाएगा, जानबूझ के आंसर देना। +1 मिलेगा और गलती करो तो -1 मिलेगा, ध्यान से। बस छोटा सा उदाहरण काफ़ी है, जहाँ इधर अगर कोई इंटेलिजेंट आदमी है तो जिंदगी भर याद रहेगा, हमको ज़्यादा बोलने का जरूर नहीं। बोले यो एक लड़का ने 50 क्वेश्चन का आंसर सही दिया और 50 क्वेश्चन के आंसर गलत दिया, तो 50 क्वेश्चन ने 50 नंबर मिला और -50 नंबर 0। ऐसा ही हो रहा है, तुम्हारा गोष्ठी भजन ऐसा हुआ आजकल,
उन्नति होना ही है, लेकिन हो क्यों ना रहा? इसका कारण खुद हम है। जैसे बचपन में बच्चा लोग सब लूडो खेलते हैं, तो लूडो जानते हैं बच्चा लोग सब, स्क्वायर बॉक्स है, उसमें उसमें सांप रहता है। धीरे धीरे खेलते खेलते 99 तक चला गया, उसके बाद एक नंबर हुआ बस सांप सांप का मुख में गिरा बस नीचे। समझा मेरा बात? ये दो उदाहरण काफी है। यही कारण सोच लो कि इसलिए भजन नहीं हो रहा है, नहीं तो भजन होने कोई बात ही नहीं। गौड़ीय मठ का भजन इतना सीधा है, इतना आनंद है, जिस चुटकी आनंद से हो जाए। सिर्फ एक काम करना है कि शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत्य करो और कुछ नहीं। मेरे माता हम तो मूर्ख है, कुछ नहीं जानता, कुछ सारे अपगुण हैं, सारे अपगुण हैं, चलेगा कोई बात नहीं। तुम्हारा अंदर कोई गन नहीं, गुण नहीं है, विद्या नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी चलेगा कोई बात नहीं। सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, शुद्ध गुरु वैष्णव का चरण में तुम्हारा शरणागति है कि बस यही काफी है। पोपा जी बड़ा दुख के मारे, अपराकित दुख, इसके द्वारा अपना वैष्णव के, वैष्णव कौन है इस कविता में सुंदर वो जो रचना है उसमें लिखे, प्राण छिजार सहित उपचार, प्राण छिजार सहित उपचार। प्राण नहीं रहने से तुम अगर मुर्दा हो, मरा हुआ आदमी हो, उपचार के लिए आए हो गौड़ीय मठ में, क्या करोगे? अपना सत्यनाश करके जाओगे, अपना खानदान को पूरा सत्यनाश करोगे, क्योंकि तुम्हारा लिए अमंगल पूरा खानदान का हो जाएगा, पूरा खानदान का। ये मजा नहीं, आग जैसा है साधु गुरु वैष्णव, आग जलता हुआ। शास्त्र में बोला देखो, बन्ही सूर्यो, बन्ही कौन है? आग, आग का नाम बन्ही, जानते हो? एक एक शब्दों बहुत बहुत चीज है, एक वर्ड का बहुत मीनिंग है, एक एक शब्द एक ही मीनिंग, सिनोनिम बोलता है, एंटोनिम सिनोनिम। बन्ही मतलब आग, बन्ही सूर्यो ब्राह्मणिभ्यो तेजियान वैष्णवो सदा। आग में हाथ मत लगाओ, जल के एकदम खाक हो जाओगे, आग में बिल्कुल हाथ मत लगाओ। बच्चा भी आग में हाथ लगाए तो बच्चा, तो बच्चा है तो हम क्या जाने, बच्चा बच्चा हाथ लगाया तो बच्चा को भी छोड़ेगा नहीं, बच्चा को छोड़ेगा? आग बोलेगा बच्चा है छोड़ दे। आग तो आग ही है, आग तो आग ही है, आग में अगर बच्चा भी हाथ दे तो उसका हाथ जल जाएगा। बन्ही सूर्यो, जेठ महीना में जब एकदम सूरज का बहुत तेज है उस टाइम में धूप में जाओ तो जल के मर जाओगे, सनस्ट्रोक हो जाएगा। कितना आदमी राजस्थान में, यूपी में, बहुत सारे आदमी सनस्ट्रोक होकर मर जाता है, बहुत सारे आदमी जिसको पता है कि ये सनलाइट में कैसे निकलना है, बहुत दिन के एक्सपीरियंस हम लोग जानते थे कैसे निकलना है। बहुत करके पानी और मिश्री और जो जाते हैं मौरी, मौरी जानते हो, पॉपी सीड ना, क्या एनी सीड, मौरी मीठा जो है ना पान का साथ खाता है, वो सब खा के एक पूरा लोटा पानी पा के पी के फिर निकालो। नहीं तो एक फल है उसका नाम है क्या, आलू बोखड़ा, आलू बोखड़ा जान दो, लाल जैसा खाने में एक थोड़ा खट्टा मीठा, वो दो एक खा के निकलो, नहीं तो मरो, नहीं तो कच्चा आम का शरबत खा के निकलो, कुछ नहीं होगा। और जिसको जानकारी नहीं है वो जल के मर जाएगा, उसका सनस्ट्रोक हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों का विचार है जे बन्ही सूर्यो ब्राह्मणेभ्यो, आग में हाथ लगाओ जल जाओगे, सूरज में निकलो मत, ज्येष्ठ महीना में वैशाख ज्येष्ठ में इतना तेज है मर एकदम जला देगा। सूर्यो ब्राह्मणेभ्यो, ब्राह्मण है शुद्ध ब्राह्मण है, उसका पीछे मत लगो, वो कुछ हो जाए तो तुमको जला के खाक कर देगा, ब्राह्मण का इतना तेज है।
इसलिए वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, जितना वर्ण है चारों वर्ण है ना, इसमें ब्राह्मण का गुरु माना, वास्तव ब्राह्मण है तो ऐसा नाम का ब्राह्मण है जेन्युइन है तो क्या उसको तो बारो मन बोला जाता, ब्राह्मण नहीं बारो मन, बारो मन का वेट है उसका, अहंकार का वेट जो है वो बारो मन, उसका जो अहंकार है इसका वेट है बारो मन करीब होगा कम से कम, इसलिए बारो मन ब्राह्मण नहीं। लेकिन शुद्ध ब्राह्मण है तो उसका पीछे मत लाओ, वो मर जाओगे। रघुनाथ दास गोसाई अपने कीर्तन में कितना सुंदर बताए, गुरु गोष्ठे गोष्ठा लय सु भुगने भूसुर गणे, सुंदर कीर्तन हम बताएंगे बाद में पीछे। ब्राह्मण गुरु वैष्णव ये सब का पीछे बिल्कुल कुछ मत करो, भजन ना करो घर चले जाओ अच्छा है, बच जाओगे कम से कम, नहीं तो एकदम समूह सत्यनाश। इधर बताया कि देखो क्या बताया अभी, वो जो बन्ही सूर्यो ब्राह्मण भ्यो वैष्णव सबसे तेजियान है, आग जैसा है, आग से भी बढ़ के, आग तो कुछ नहीं है, आग से जल गया तो मेडिसिन अप्लाई करोगे थ्रू प्लास्टिक से जो हो सकता, लेकिन इसलिए जड़ोभर जी कैसा, जड़ोभर जी के सामने वो जो रूहगण है कितना रो रो के बता, आप बताओ आप कौन हो, हमारा तो बहुत अपराध हो गया आप कौन हो, ऐसा करके रोया। बोले हम इंद्र भगवान का जो वज्र है उससे डरता नहीं, हम जो वायु देवता का अस्त्र है उसमें डरता नहीं, हमको अनिल जल देवता का अस्त्र से हम डरता नहीं, हम डरते हैं ब्राह्मण वैष्णव से, हम बड़ा भारी डरते हैं। शंके वृषम ब्रह्म कुलाब माना, शंके माने हम, हमारा डर है शंका है, बहुत डरते हैं। शंके वृषम ब्रह्म कुलाब मानात, ब्रह्मकुल, ब्रह्मकुल का अगर जाने में अनजाने में हमसे अपराध हो गया बस पूरा हो गया, और कभी नहीं कोई रास्ता खुलेगा, कोई रास्ता खुलेगा नहीं। और जितना भी तुम्हारा कोई कोई क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल अगुण का खजाना है, अगुणों का खजाना है, फिर भी चलेगा महाराज कोई बात नहीं, क्यों, गुरु वैष्णव है ज्वेल, चिंतामणि, स्पर्शमणि भी नहीं चिंतामणि, वो अगर चाहे तुम्हारा अंदर में सारे गुण दे दे, सारे भरपूर दे दे, हो जाएगा, बस लगे रहो, बस सिर्फ लगे रहो और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पकड़ के रखो पार हो जाओगे और कुछ नहीं, ये शास्त्रों का सिद्धांत है, सिर्फ जोर जबरदस्ती पकड़ के रहो वो तो पार कर लेगा तुमको। हम एक और उदाहरण भी देते हैं, जैसे एक ट्रेन है, एक ट्रेन 22 बग्गी है, बॉम्बे मेल है ना 22 बोगी, इस 22 बोगी को एक इंजन पकड़ के ले जा रहा है, एक इंजन उसको पकड़ के ले जा रहा है, सचो 22 बोगी, और जो मालगाड़ी है उसमें तो रहता है कि 50 55 60 बोगी भी रहता है ना, लेकिन वो इंजन जो है उसको पकड़ के ले जाता है। ये उदाहरण जो है, मिसाल जो है, एग्जाम्पल यू मस्ट रिमेंबर इन योर लाइफ। जब तक इंजन का साथ ये जो बोगी है डब्बा जुड़ा हुआ है तब तक जाएगा, अगर बॉम्बे तक ट्रेन को जानी है बॉम्बे तो को चला जाएगा अगर जुड़ा हुआ है, अगर कोई भी डब्बा कनेक्शन लूज हो गया, सांटिंग लूज हो गया, तो वो बुड्ढी बोगी जो है जहां के तहां पड़ा रहेगा, इंजन का कोई कसूर नहीं, इंजन बोले हम क्या करें, हमको हमको पकड़ के नहीं रखा, हम तो बॉम्बे चला गया, इंजन बम्बे चला गया, लेकिन वो बोगी जो पीछे वाला किसी को ध्यान नहीं, वो कट के पीछे रह गया, बस वो पीछे रह जाए। शुद्ध गुरु वैष्णव को गाली मत दो, उसका कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा कुछ खाने के लिए नहीं है, जो पुनामी मिले वो तुम्हारा सामने जंजाल का माफी फेंक के चला जाएगा, जा ले खा ले ये सब फेंक के चला जाएगा, वो सब डरता नहीं। हम सोचते हैं कि हमारा माफिक पशु है गुरु वैष्णव, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, उसका बारे में
चिंता करो तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए हृदय में, नहीं तो मरोगे, कोई बात नहीं। तो जो भोगी जो है पीछे रह जाए, शुद्ध गुरु वैष्णव का कोई दोष नहीं, उसको पकड़ के नहीं रखा, दिखा लिया, कोई काम नहीं, क्या करें हम, हमको पकड़ के नहीं रखा, वो छोड़ दिया हमको। राम नाम जपना पराया माल अपना, यही बात है, राम 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 पराया माल अपना, राम नाम जपना पराया माल अपना, यही काम के लिए हम आया है क्या, इसी काम के लिए आया है भजन में। पोपा जी बड़ा सुंदर लिखे, प्राण अच्छे जार सहित प्रचार, जिसका प्राण है उसी का जवान से हरि कथा निकलेगा, कीर्तन निकलेगा, चाहे तुम कुछ भी करो, कुछ कर नहीं पाओगे। हमारा वैखानस महाराज जी को, वैखानस महाराज जी उड़ीसा का नाम सुने हैं, इतना बड़ा वैष्णव है, जब वो गंजाम डिस्ट्रिक्ट में जब प्रभुपाद का जो प्रवचन है वो देना शुरू कर दिया तो पूरा समाज का आदमी उतना खिलाफ गया, क्या बोल रहा है सब, चैतन्य महाप्रभु का प्रचार किया तो सारे आदमी उसका खिलाफ चला गया, उसको मार डालो, इतना पावरफुल वैष्णव है। पहले उसको बहुत सारे चीज पता था, बहुत बहुत सारे चीज, उसका बाद शुद्ध वैष्णव हो गया प्रभुपाद के चरण में, वो तो नित्य पार्षद ही है, तो दिखाना है। तो समाज का जितना सारे आदमी हैं, बड़े बड़े आदमी, भले इसका प्रवचन नहीं बंद किया जाए तो हमारा मार्केट खराब हो जाएगा। क्या क्या किया, मंत्र तंत्र षड्यंत्र करके मार डालो इसको, कितना तंत्र किया, कितना मंत्र किया, जिस आसन में बैठे इतना मंत्र किया जो कोई भी वैसे मर जाएगा, लेकिन महाराज आराम से प्रभुपाद को शरण करके बैठा। कोई प्रवचन देने जाए तो मुख बंद हो जाएगा, ऐसा मंत्र किया है, ओ सक्स एकदम 100%, इतना बड़ा तंत्र किया। महाराज आसन में बैठ के प्रभुपाद का शरण करके प्रवचन दिया 2 घंटा, उसके बाद जो लोग तंत्र मंत्र किया और जिन्होंने कराया पैसा देके, सब जाके चरण में गिरा, बोला हमको क्षमा करो, आप, आपको मारने के लिए किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जहां सुदर्शन चक्र रहता है भक्तों का पीछे, कुछ भी करो तुम्हारा गला काट के फेंक देगा। नृसिंह भगवान है, वो जानते नहीं हो, खेला करने के लिए आए हो, खाने का साथ कुछ का कुछ मंत्र तो सर्वजन तो करो तो गुरु वैष्णव को समझ जाता है, उसका तो कुछ नहीं होगा लेकिन तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, ऐसा होगा कि जिंदगी भर कुछ नहीं होने वाला। बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। ये जो प्रभुपाद जी ने बताया, प्राण छिजार सेहत प्रचार, प्राण अगर है, प्राण का मतलब क्या है, सब आदमी बोले हमारा तो प्राण है, प्राण है ना, घूम रहा है, खा रहा है, घूम रहा है, प्राण है। प्रभुपाद बोले इसको प्राण नहीं बोला जाता, प्राण छिजार सेहत प्रचार, प्राण किसको बोलता है, बोले शरणागति को। इसका व्याख्या भक्ति विनोद ठाकुर ने किया, प्रभुपाद जी ने बोला क्या, प्राण से जार से तो पूछा, और प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर इसका उत्तर दिया, प्राण का मतलब जानते हो, शिखाए शरणागति भक्तिर प्राण, शिखाए शरणागति भक्तिर प्राण, भक्तों का प्राण है शरणागति, भक्तों का प्राण शरणागति, भक्तों का प्राण। ये अगर ना रहे तो करोड़ों जन्म भजन करते चलो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो चर्चा हमने शुरू किया था वो चर्चा बड़ा गंभीर चर्चा है, उसमें अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारो थी तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। जिसका पास कोई कामना वासना नहीं है, जिसका हृदय में, उसका तो कोई चिंता नहीं, अकामो अलग सर्व काम है, कामना वासना पूरा भरपूर है तो भी कोई असुविधा नहीं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अकाम सर्व काम बा और मोक्ष काम उदारो थी, मोक्ष काम अगर मोक्ष कामी है तो भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसका अगर हृदय उदार है, दिल खुला है, तो तीव्रेण भक्ति योगेन जजेतो पुरुषम परम, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का आराधना करो,
परम पुरुष श्री चैतन्य महाप्रभु का आराधना करो। इसलिए बार बार सुखदेव गोस्वामी जी भी भागवत में बताए परीक्षित महाराज जी को, राजन तुम एक काम करो, हृदयस्थ कुरु केशवम, हे राजन हृदय में केशव को बैठा लो, सारे सुविधा हो जाएगा। हृदय में केशव को बैठा लो, सारे सुविधा हो जाएगा। और हम लोग गौड़ीय दर्शन में बोलते हैं जे गौरांग महाप्रभु को हृदय में बैठा लो, हैं? आ उसमें संसार सिंधु इत्यादि श्लोक हम बताया था, यही बात है। शुद्ध भजन का जो रास्ता है इतना गंभीर है, बहुत सोच समझ के शिष्य बनाना चाहिए, बहुत सोच समझ। भक्तिविनोद ठाकुर ने रोया है, एक एक आर्टिकल लिखे है, रोया है भक्तिविनोद ठाकुर, रोया है। अगर ये वैष्णव समाज आचार्य जो लोग अगर चिंता ना करे, पूरा वैष्णव समाज विनष्ट हो गया, नष्ट हो जाएगा। विनष्ट तो नहीं होगा क्योंकि भक्तिविनोद धारा कभी अवरुद्ध नहीं होने वाला लिखा हुआ है, भक्तिविनोद धारा कभी अवरुद्ध नहीं होने वाला, तो ऐसा खतरनाक अवस्था पैदा हो जाएगा। खूब सोच विचार के शिष्य बनाओ, ये भजन करेगा कि नहीं करेगा, नहीं तो हरि भक्ति विलास में जो है, नहीं तो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। तुम जो कुछ भी हो तुमको भुगतना पड़ेगा, सोच लो। काल ये सब चर्चा किया जे राजन तस्मात सर्वात्मना सर्व हृदय देखे, राजन हरि ही सर्वत्र सर्वदा, हरि को ही, हरि ही सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य, हरि का कीर्तनी सुनना चाहिए, हरि का कीर्तनी करना चाहिए, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य, शरण भी होनी चाहिए भगवान नृणाम, सारे मानव जाति के लिए यही प्रेस्क्रिप्शन, यही विधान है। दैट इज द ओनली प्रेस्क्रिप्शन। मानोगे तो ठीक है, परहेज करोगे तो ठीक है, मेडिसिन काम करे, दवा काम करेगा। और इसका बाद एक सुंदर श्लोक, पिबन्ति जे भगवतो आत्मनः सताम कथामृतम सवन पठेश संवृतम पुनन्ति ते विषयो विदुषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरणो सरोरुहांतिकम्। आहा, सुनने वाला चीज है। पिबन्ति जे भगवतो आत्मनः स्वताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संवृतम्। जे लोग भगवान का अमृतमय वाणी ये कान देके साधुओं का श्री मुखाराबिंद से जो कथा पिघलते हुए ये अमृत पिजूष निकालते हुए हमारा कानों में आ रहा है, कान को ऐसा करके सुनो, कोई ऐना हो जाए कान में, ये कान में ये कथा सुन रहे हो कान में, ऐसा नहीं। जैसे आप देखोगे वेणु गीता हम चर्चा करेंगे बहुत जल्दी, इच्छा है, वहाँ देखोगे गो माता गो बछरा वृंदावन का, जब भी भगवान का वंशित ध्वनि भई तो कान को ऐसा करके खड़ा करके वंशित ध्वनि का जो अमृत है पीरा, स्तनोपय कबला बछड़ा है, बछड़ा छोटा छोटा बछड़ा मैया का स्तन पी रहे गो माता का, जब भी कृष्ण का वंशित ध्वनि कान में आया और स्तनपान बंद कर दिया, ऐसा रह गया, स्तनपान करते बछड़ा जो स्तनपान करते करते जब भगवान श्री कृष्ण का वंशित ध्वनि कानों में आया, बस तुरंत सारे बंद, खाना पीना हिलना भी बंद, जस्ट लाइक स्टैचू, जैसे स्टैचू हो गया। हम इस बारे में चर्चा करेंगे, इस दफे हमारा चर्चा का विषय ज्यादा होगा दशम स्कंदों का, जो गंभीर विषय है, थोड़ा बहुत इच्छा है, इस दफे हम
जैसे पंचम स्कंदो स्वप्न बहुत चर्चा किया अगले अगले हरिकथा में, इस दफे भी करे और उतना नहीं कर पाए क्योंकि वो शेष रह जाता, शेष लीला जो चर्चा है वो अधूरा रह जाता। तो एक एक समय का जो हरिकथा है नया नया होता है, ये नहीं कि पहले हम भागवत कथा सुना महाराज से और नहीं पहले सुना है, ये कथा जो नया है, फिर दोबारा कोई जगह होगा वो कथा और नया है, नया नया सब दर्शन विचार सुनने को मिले, यही ठाकुर जी का यही कृपा। अनंत कथा सागर है, इसमें पुराना बोल के कुछ कुछ नहीं है। तो पिबंत जे भगवतो आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेश संवृतम अहर्निश। साधु गुरु वैष्णव का मुखारविंद से भगवान का जो अमृतमय वाणी, अमृतमय कथा जो पिघलते रहते हैं, निकालते रहते हैं, उसको स्वर्ण पुटेश संवृतम, हर वक्त ये अमृतमय कथा को सुनते रहो। इसमें क्या हुआ क्या होगा, भले सब सारे समाधान हो जाएगा, भले पुनंतिते विषय विदूषिता स्वयं, विषय में जो कलुषित अंतकरण वो तुरंत शुद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं कि टाइम लगे, तुरंत शुद्ध हो जाएगा हृदय। और ब्रजंती, ब्रजंती मन ब्रज मतलब जाना, ब्रजंती तत्चरण सरोर रूहांतिकम, भगवान का जो चरण कमल रूपी जो वृक्ष का भेला है वो उस चरण में आप पहुंच जाओगे आनंद से, एकदम अनायास पहुंच जाओगे, कोई चिंता नहीं। बे एक काम करना है, तमाम दुर्गुण का खजाना हो, भले ही खजाना हो तो उसमें नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। इतना काम करना है कि गुरु वैष्णव को अनुगत करना है, गौरव का उसका बात मानना है, बस इतना ही करो। बाकी देखो कहाँ से तुम्हारा अंदर इतना पावर आ जाएगा, कितना हमारा सामने देखा, मूरा आदमी कुछ नहीं जानता, घंटा बोर हरिकथा बोलते रहे, कोई एडुकेशन भी नहीं है, एडुकेशन नहीं है, टू तक पढ़ा भी नहीं है, वन टू टू तक गरीब घर का, बस संग में रहा मेरा, अब तुम्हारा सामने दो घंटा तीन घंटा बोलते रहेगा हरिकथा, कुछ नहीं जानता। ऐसा ही, ऐसा पावरफुल है। तो ये जो है अभी हम बहुत संक्षेप में बताएंगे, दूसरा स्कंध का तीसरा अध्याय है। अगर तुम्हारा अंदर में कोई कामना वासना है वो पूर्ति कर लो, और बिना पूर्ति मरोगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, पूर्ति कर लो। जिस देवता का अर्चन करो वो देवता तुमको वो आशीर्वाद दे देंगे, देंगे ना, वही आशीर्वाद दे देंगे। इसमें सुंदर सब विचार है, एक एक देवता को पूजा करो तो एक एक चीज मिल जाए। हमने पूरा श्लोक ही बताएंगे और ज्यादा हम नहीं बताएंगे, और यहाँ सुंदर है। अगर बलचैन यह हम तो बीच में से पढ़ कर पहले से नहीं, मतलब इतना पढ़ के कर क्या करेंगे, दो एक सैंपल हम दे दें। यज्ञम जजित जसस काम कोसो काम प्रचेतसम विद्या कामस्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थम उमा सतीम। दाम्पत्य सुख चाहते हो तो उमा देवी को उपार्चन करो, दाम्पत्य सुख हो जाए, दाम्पत्य सुख हो जाए। और विद्या चाहो तो गिरीश, लेकिन जड़ जगत का, और अपराकित ठाकुर जी को शंकर भगवान को बोलो वैकुंठ, जो बोलो वैकुंठ का है तो आपको भक्ति का विद्या दे दे, नहीं तो जड़ विद्या दे देगा। ऐसा करके धीरे धीरे उदाहरण दिया, और जैसा जैसा आराधना करते रहो, आयुष काम अश्विनऊ देवऊ पुष्टि काम इलाम जजेत। आयु आयु अगर चाहते हो कि अश्विनऊ देवऊ, दो वचन है ना, आयुष काम अश्विनऊ देवऊ पुष्टि काम इलाम जजेत। इला एक शक्ति का नाम है, इला पुष्टि काम हो जाएगा। प्रतिष्ठा काम हो पुरुषो रोदसी लोको मातरो,
कौन माँ? आदिति माँ, दिति माँ तो है? हाँ, इसका अर्चन करो तो बहुत, सूर्य का अर्चन करो, गणपति देवता का, गणपति देवता का अर्चन करो तो तुम्हारा समाज में आधिपत्य होगा। ऐसा करे पूरा एक एक देवता का अर्चन के बारे में बताया है, लेकिन अंतिम में बताया गया कौन से श्लोक जो हमने दोहराया पहले, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार धि तीव्रे न भक्ति जोगे न जजे तो पुरुषम परम। अब सोच लो क्या करोगे, अब सोच लो क्या करोगे, ठाकुर जी का चरण भजन करोगे तो ठीक है, ठाकुर जी का चरण भजन करने से सब ही मिलेगा, सब मिल जाएगा। ये जो ठाकुर जी का चरण भजन करने से ऐसा कोई चीज नहीं कि मिलता नहीं, क्योंकि वो खुद ठाकुर जी है, स्वयं परमेश्वर। और परमेश्वर ये देवता लोगों को थोड़ा आशीर्वाद करके रखा है कि तुम लोग पूर्ति करो, किसी का आशा आकांक्षा जो है पूर्ति करते रहना है, ठाकुर जी का आशीर्वाद से दे रहा है। गीता में ठाकुर जी बोला है जो चीज देवता लोग आपको दे रहे हैं वो कौन दे रहा है, हम ही तो दे रहे हैं। जो देवता लोग को अर्चन कर रहे हो वो भी, वो नियम क्या है बोले, वो अविधि पूर्वकम, वो हमारा ही अर्चन है, लेकिन अविधि पूर्वकम, ये विधि नहीं है, विधि तोड़ फोड़ के उल्टा रास्ता पे जा रहे हो। अगर कुछ चाहिए तो खुद जगह एप्लीकेशन जमा दो, तुमका हमार तुम्हारा का इतना नंगापन है, इतना भिखारी हो, कुछ नहीं है तो मांगना है तो खुद राजा का पास जाओ, खुद मालिक जो है, कहाँ चपरासी का पास क्यों जा रहे, देवता लोग तो चपता चपरासी है, खुद मालिक का पास जाके बोलो जो मालिक हमको ये चाहिए तो बोल दो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया, चैतन्य महाप्रभु जी क्या बताया, पहले गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर, प्रभु कहे आमा पूजो आमी दिबो बोर, बोला ना, हर वक्त भागवत चर्चा करो, कुछ भी शास्त्रों का चर्चा करो, लेकिन गौड़ीय दर्शन का लाइट पे चर्चा करो, गौड़ीय दर्शन का जो विचार है इसका ऊपर चर्चा करो। जैसे काल बोला था ना, ये ठाकुर जी का प्राण है किसका विश्वास है, किसी का विश्वास है ये ठाकुर जी स्वयं है मंदिर में, किसी का विश्वास है, बोले ये ठाकुर जी साक्षात खड़ा हुआ है, विश्वास है, कीर्तन कर रहे सब करते हैं, बहुत सारे करते हो, लेकिन तुम्हारा विश्वास है कि नहीं, तो विश्वास तो सालग्राम पकड़ के बोल लो जो हमारा पूरा विश्वास है यही ठाकुर जी है साक्षात, तब तो ठाकुर जी है, विश्वास नहीं तो ठाकुर जी कैसे रहे। इसी बात का जैसे हम चैतन्य चरितामृत में हैं, काल रघुनंदन आचार्य को अभी बताया था, चैतन्य चरितामृत में है गोपाल जी वृंदावन से, वृंदावन गोविंद मंदिर का उधर उसका एकदम बगल में ये गोविंद मंदिर, इधर गोपाल जी का मंदिर था, वो गोपाल जी वृंदावन से चलते हुए आया है, कहाँ, वो ब्राह्मण का उड़ीसा में आया, उड़ीसा में आया साक्षी देने के लिए, छोटा छोटा विप्रो और बड़ा विप्रो का कहानी है पढ़ लेना, बड़ा विप्रो बड़ा मुसीबत में गिरा हुआ है, वो सच्चा बोले तो पूरा फैमिली खुद खुदकशी करे आत्महत्या करे, तो वो बाद में क्या हुआ, छोटा विप्रो बोले ठीक है हम ठाकुर जी को इधर ले आएंगे, उसका बाद ठाकुर जी बोले क्योंकि वो साक्षी है तो ठाकुर जी को ले आने के लिए गए, ठाकुर जी चलो, ठाकुर जी चलो साक्षी देना पड़ेगा तुमको, हम साक्षी माना था, तो ठाकुर जी बोले हम ठाकुर जी कोई विग्रोह कभी चलता है क्या, तो तुम हमको ले जाना चाहते हो, मतलब विग्रोह चलता नहीं बोलता है क्या, बोलता है तो चलता भी होगा, चलो जाना पड़ेगा तुमको, अः ठीक है चलता तो हूं, बस एक 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 शेर, एक शेर बोलता है ना, पहले शेर था अब केजी हो गया, एक शेर चाल का, एक शेर चाल है ना, ऐसा चावल रोसी करके हमको खिलाना, और क्या है हम चलते रहेंगे, और हमारा नूपुर, हमारा पैर पे, पैर में जो नूपुर है उसका आवाज है छुम छुम, आप पीछे मुड़ के देखना नहीं, आवाज से आपको पता चलेगा हम चल रहा है,
लेकिन अब पीछे मुड़ के देखोगे तो बस तब हम और चलेंगे वहीं रह जाएंगे। ये साक्षी गोपाल का कहानी है। उधर खीर चोरा गोपीनाथ का कहानी है, कितना हम बताएंगे। खीर चोरा गोपीनाथ साक्षात माधवपुरी के लिए खीर चुरा के रखा है, चोर नाम लिया। जितना दिन तक धरती रहे तो वो चोर है, चोर नाम किया। चोर भी कोई नाम हुआ, ठाकुर जी बदनाम लिया, चोर चोर का नाम लिया। खीर चोरा गोपीनाथ, अब चोरी किया खीर माधवेंद्रपुरी बात को देने के लिए। तो इतना सारे घटना है, फिर भी हमारा दिल में कोई विश्वास है नहीं। कारण क्या है? कारण है अपराध। अपराध के कारण हमारा हृदय इतना पैसिव हो गया, कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं। जैसे एक मैग्नेट है, चुंबक, एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट के सामने लोहे का टुकड़ा है लेकिन वो अट्रैक्शन नहीं हो पाया। लोहे का टुकड़ा है लेकिन मैग्नेट भी है बहुत पावरफुल, लेकिन लोहे को खींच नहीं रहा है। क्या कारण है? वो साइंटिस्ट लोग बोले उसका ऊपर रास्टिंग हो गया, फेरिक ऑक्साइड का, फेरिक ऑक्साइड का एक लेयर बन गया, फेरिक ऑक्साइड लाल मोर्चा रास्टिंग, फेरिक ऑक्साइड का इतना लेयर हो गया मोटा कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर नहीं जा रहा है। जब तक मैग्नेटिक फील्ड बाहर ना जाए तो उसको खींच के लाना संभव नहीं है। संभव है नहीं। लोहे का ऊपर रास्टिंग हुआ, लोहे का ऊपर बहुत सारे रस्टिंग हुआ, मैग्नेट का कोई दोष नहीं, इसे खींच नहीं रहा। देखो बेशा तक, बेशा तो बेशा ही है, बेशा तक चरम मंगल हुआ उसका, हुआ नहीं हरिदास ठाकुर का जिंदगी, बड़ा साधु बन गया लिखा हुआ है, हो गया ना। इतना बड़ा साधु बन गया कि उसका दर्शन के लिए अभी देश देश गांव गांव से बड़ा बड़ा महांती लोग उसका पास जाते हैं। बड़ो बड़ो महांती तार दर्शन है तो यांती, बड़ा बड़ा महांतो लोग इसका दर्शन के लिए जाते हैं। हरिदास ठाकुर का उधर आया था ना, तो बेशा ही है, हैं? लेकिन वो बड़ा साधु बन गया। हम इतना बड़ा बेशा है कि हमारा मंगल नहीं हो रहा है, चिंता करो। यहां जो है तीव्रेण भक्ति योग, जो कुछ भी मांगना है तो मांगो डायरेक्ट ठाकुर जी का पास ही मांगो, दूसरे जगह मत जाओ। क्योंकि ठाकुर जी का पहले से एक वादा है, जो मांगे कुछ चीज से वो तो हम दे देंगे, कोई बात नहीं। और मांगने का बाद उसको रक्षा करना, ये भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मांगे तो वो मांगे हम दे देंगे, उसका बाद वो उसको रक्षा करना, ये भी मेरा जुम्मा है ना। गीता में बोला है ना ठाकुर जी, हाँ वो हम दे देंगे और उसके बाद उसको रक्षा भी हम करेंगे। बाद में भागवत जी महापुराण में सुंदर ये इसमें विचार आता है, तरबो किंग न जीवंती भस्ता किंग न ससंति उतो न खदंती न मेहंती किंग ग्रामे पशवो अपरे। भले तरबो किंग न जीवंती भस्ता किंग न ससंति उतो न खदंती न मेहंती किंग ग्रामे पशवो अपरे। वृक्षो लोग तरबो किंग न जीवंती, ये जो पेड़ पौधा है वो की जिंदा नहीं है? तो जिंदा है, पेड़ पौधा जिंदा है ना, लेकिन बोल नहीं पाता कुछ। पेड़ पौधा जिंदा है, जिंदा है ना। तरबो किंग न जीवंती, क्या पेड़ पौधा क्या जिंदा है ना? ऐसा मापिक जियोगे तुम हैं? ये भी कोई आदमी का जिंदगी हुआ? तरबो किंग न जीवंती भस्ता किंग न ससंती। तो कामार साल देखा, ब्लैक स्मिथ लोहे का जो निर्माण करता है, लोहे का छुरी कटारी लोहे का निर्माण करता है ना, वो उसमें हापर है ना, हवा दे चलता है, फाक फाक हवा चलाता है ना, हापुड़ बोलता है उसको बंगला में,
वह वायु को संचालन करता है, उसमें हवा जाता है और उसमें उसका निर्माण होता है। ठीक से पिटाई करके लोहे को लाल कर दिया, उसके बाद पिटाई किया, पिटाई करके फिर निर्माण करता है। तो तुम क्या वो जो सांस लेते हो ऐसा ऐसा करके, तुम क्या वो लोहे खाने में, लोहे का जो ब्लैक स्मिथ है वहां का वो हापुड़ जैसा रह जाओगे, जैसे चमड़े का बना हुआ है ऐसा करता है, ऐसा तुम्हारा भी सांस चलता, उसका भी सांस चलता, क्या माने रखा है। तरवो किंग न जीवंती भस्ता किंग न ससंती, तो वो भी कोई कोई सांस नहीं ले रहा है क्या, वो भी तो सांस ले रहा है। न खदंती न मेहंती, न खदंती न मेहंती किंग गांव पशुओ परे, गांव का जो कुत्ता बिल्ली जो है, सियाल है, गिदर है, वो क्या वो लोग खाता नहीं, वो भी खाता है, वो भी खाता है, टट्टी पेशाब करता है, करता नहीं, वो तो ग्राम का पशु है, गीदर है, कुत्ता है, बिल्ली है, सब खाता है और टट्टी पिस्सा भी। तो ये अगर जिंदगी का सिम्टम है तो जियो तुम, 100 साल जियो हमारा कोई, तो ये क्या कहे हम। न खदंती न मेहंती किंग गांव पशु अपरे, तो गांव का पशु जो है वो लोग के खाता पीता नहीं, और तुम खाते भी तो तुम आदमी बन गया। ये हम नहीं, सुखदेव कुछ, ये जो सुंदर है सनकादि ऋषि वाचो, सनकादि ऋषि बोल रहे, कथा सुनते सुनते बड़ा आनंद आया, बोलो ठीक ऐसा ही बात, क्या वृक्ष क्या जिंदा नहीं है, क्या भस्ता क्या सांस नहीं ले रहा है, क्या खाना पीना और जो पेशाब टट्टी ये क्या सबके सभी का जिंदगी में है ना। इसलिए वशिष्ठ मुनि बताया ना, हैं वशिष्ठ मुनि तो सुंदर श्लोक बताया, क्या करोगे सुन के, क्या करोगे, हाँ गुस्सा आ जाएगा। अब बाद में भले बाद में ये जो है, सौ बीड़ बराहोष्ट खरई संस्तुत पुरुष पशु नौजत कर्ण पथो पेतो यातु नाम गदाग्रच, सब बीड़ो सब माने वो कुत्ता है, वो सुअर है, बराह उष्ठो है, खौख माने वो जो खच्चर है, खड़ है, जो को ऐसा गाली दे रहा है, बोले ये तो प्रेम का गाली। सब बीड़ बराह उष्ठ खरे संस्तुत पुरुष पशु, और जो तुम देखते हो आदमी है, क्योंकि आत्मा है, पुरुष का व्याख्या किया था, पूरे देहे वसति पुरुष, वो पुरुष है, वो पुरुष को पशु बोला गया भागवत में, बोले वो पशु का बराबर है। न यत कर्ण पथो पेथो या तु नाम गदाग्रज, जो ठाकुर जी का नाम सुना ही नहीं कान में और कीर्तन कथा कुछ करता ही नहीं, न यत कर्ण पथो पेथो या तु नाम गदाग्रज, गदाग्रज गदावृत भगवान हरि का कोई कथा कीर्तन कान में गया नहीं, तो वो पुरुष पशु है, पशु और उसमें कोई भेद नहीं है, एक ही है। अब इसका बाद सुंदर ये जो थोड़ा स्तुति किया सनकादि ऋषि कह रहे हैं, सुंदर सुब सुनते सुनते रहो, आदमी का सिम्टम जो है, आदमी बनोगे मनुष्य उसका सिम्टम क्या है, इसका बारे में दिखा हुआ। भले सौ वीर बराहोष्ट करई संस्तुत पुरुष पशु नौयत कर्ण पथो पे तो यातु नाम गदाग्रज बिलेवतोरुक्रम विक्रमान जेन श्रृणंत कर्ण पुठे नरस जिह्वा सति दार्दुरी केव सुतो नौजो उपगायत उरुगायो गाथा बिलेवतोरुक्रम विक्रमान जेन श्रृणंत कर्ण पुठे नरस जिह्वा सति दार्दुरी केव सुतो नौचोपगायति उरुगायो गाथा वारह परम परटक पट्ट किरीट जुष्टम उपयुक्त मांगम न नमेत
मुकुंदम वारह परम पट्ट किरीट जुष्टम उपयुत्तमांग्यम नौनमेद मुकुंदम बरहीयते ते नयने नरानाम लिंगान विष्णुरन निरीक्षतो जे पादो नृणाम तो द्रुमवंत जन्म भाजो क्षेत्राणि नानु ब्रजतो हरेर्जो जीवन छवो भगवत अंग्रि रेणु रेणु नौयातु मर्त अभिलभेत जस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजस्तु लश्या छचन छवो यस्तु न भेद गंध्यम तदस्मसारम हृदय बतीदम जद्गृज्यमानैर्हरिनाम देवै न विक्रियेत्वाथो जदा विकारो नेत्रे जलम गात्रोर्हेषु हर्ष। कितना सुंदर देखो, भले बीले बतु उरुक्रम विक्रमान जेन श्रणन सनंत कर्ण पुटेश नरस्य। जो आदमी का कानों में ठाकुर जी का कथा नहीं गया, वो कान एक एक जो गर्तो है ना, गर्तो जानते हो, बिल 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 मतलब गर्तो, ये गर्तो का अंदर सांप रहता है, चूहा रहता है, ये गर्तो का बराबर कोई क्या है कान। बीले बतो उरुक्रम विक्रमान जेन श्रणंत कर्ण पुटे नरस्य। जिसका कानों में ठाकुर जी का वाणी नहीं गया, कथा नहीं गया, उसका ये कान जो है कान नहीं रहने का बराबर है, तो गर्तों का बराबर, उसमें सांप चूहा बिल्ली, उसमें सांप चूहा बिल्ली जो सांप चूहा उसमें क्या उसमें उसमें अड्डा अड्डा बना लेगा उसमें। और जीवा असती दा दुरी के वसुतों नौ चौपगायती उरुगायो गाथा, जो ठाकुर जी उरुगाय उरुगायो गाथा उरुक्रम भगवान का कीर्तन जो जिह्वा से नहीं करता होगा तो वो क्या है, जो फोग है बैंग है, बैंग जानते हो, बैंग उसका जो जिह्वा है गांग 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 करते हैं ना बैंग, वो इसका बराबर। क्यों, वो जो फोग है बैंग है वो अगर नहीं चिल्लाता उसका समस्या कम होता, वो चल वो जो चिल्लाता है गैंग 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 उसमें क्या होता है, सांप का पता चलता वहां है, जाके खा लेता, कम से कम तो चुप रह जा, भगवान का कथा ना बोले ठीक है नहीं बोल रहा, कम से कम तो चुप हो जा, वो भी नहीं रहे, वो क्या गैंग करता है, उसका क्या कीमत है। फिर आके सांप पता चल जाता इधर खा लेता, ऐसा जीव औषधि असति दार की वो सुतो नौचो उपगाय उपगाय तो उरुगाय गाथा, भगवान का कथा कीर्तन नहीं करता है तो जो जवान है वो जो जिह्वा है वो बेकार है। और अगर मस्तक भी है, बड़ा ऊंचा मस्तक, राजा का मस्तक है, राजा हुआ तो क्या हुआ, मस्तक में एक बड़ा मुकुट शोभा दे रहा है, इतना बड़ा मुकुट, मुकुट है ना, इधर शास्त्रों में बोला हुआ है भारह परम पट्ट किरीट जुष्टम उपि उत्तमांगम, उत्तमांग मतलब ये मस्तक को उत्तमांग, मस्तक जो है उसको उत्तमांग माना, उत्तमांग मस्तक, वो मस्तक का कोई वैल्यू नहीं है, अगर मुकुट भी हो पगड़ी भी हो क्या है, जो भगवान चर भगवान के चरण में नमन ना करे दंडवत ना करे। भारह परम पट्टो किरीट जुष्टम उपि उत्तमांगम न नमेद मुकुंदम, ऐसा करके सुंदर व्याख्या हुआ। इसके बाद चौथा हम तो बता दिया, इस स्कंद में जो देवता लोग जो जो देवता का अर्चन करोगे वो आपका मिल जाएगा। शाम को सायंकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करेंगे, ठाकुर जी अनन्नश्चिंतन तो ये जना माम उपासते तेसाम नित्ताभियुक्तानाम जोगोक्षेम वहाम्यहम्, ये जो प्रॉमिस कमिटमेंट है एकमात्र तो ठाकुर जी छोड़ के कोई नहीं किया, किसी देवता का हिम्मत नहीं है, एकमात्र तो कृष्ण भगवान ने बोला अनन्य चिंतन तो ये योना माम उपासते तेसाम नित्ताभियुक्तानाम जोगोक्षेम वहाम्यहम्, योग मतलब जो वो चाहते हो उसको दे देंगे, खेम मतलब उसका बाद उसको प्रोटेक्शन देना, ये भी ठाकुर जी करें, क्या किया था ना ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज को, ध्रुव महाराज को किया, प्रहलाद बहुत सारे इधर उदाहरण है। तो ये
विचार करो, विचार करो। हम तो चाहते हैं एक श्रोता, एक श्रोता चाहता हूं जिंदगी में, एक श्रोता मिल जाए और हमको वो कोई वक्ता भी मिल जाए तो हम बैठ के सुनेंगे। तुम थोड़ा बोलो, बोले क्यों महाराज आप तो प्रवचन करते हो, क्या हुआ उसमें, हम सुनते रहेंगे। हम तो ठाकुर जी का पास प्रार्थना करते रहते हैं ऐसा कोई वक्ता लाओ कि मेरा हृदय को समझे, वो भी बोलते रहे हम सुनते रहे। हमारे इच्छा आप में कोई बोलना आता है तो बैठो हम सुनेंगे। कि जैसे चतुर्सन है, चतुर्सन में एक बोलते रहते हैं और तीनों सुनते रहते हैं, है ना। नव जोगेंद्र है, नव जोगेंद्र में एक बोलते रहते हैं और बाकी आठ सुनते रहते हैं, और वो चुप हो गया दूसरा जोगेंद्र जो है वो बोलते रहते हैं बाकी चुप रहते हैं। नियम है श्रवण कीर्तन, चलो हमको सुनाओ थोड़ा, हमारा इच्छा हो रहा है। तो लेक्चर देने का हमारा कोई इच्छा ही है ही नहीं, क्या करें। जो भी है इधर देखो, सारे जो देवता लोग का आराधना पूजा पाठ करोगे उसके द्वारा जो आपका अंदर में जो इच्छा है वो तो पूर्ति तो हो जाएगा, लेकिन उसका बाद कोई जिम्मेदारी नहीं है हम। लेकिन ठाकुर जी एकमात्र है जो वादा किया, ठाकुर जी वो गीता में है ही है, पाठ के देखना, पाठ करके तेसाम नित्याभियुक्तानम जोगो खेम बहामी हम, उसका जोग और खेम स्वयं मैं बहन करे। इसका बहुत सारे प्रमाण है ना, दक्षिण भारत में जो ब्राह्मणों का प्रमाण है ना, जोगोक्षेम बहामियाम, दक्षिण भारत का एक वो ब्राह्मणों ने जोगोक्षेम बहामियाम ये जो श्लोक है उसको लाल पेन से काट दिया कलम से, बोले ये तो ठीक नहीं है। बहामी अहम बहम हम तो काट दिया। तो ब्राह्मण बड़ा सुंदर ब्राह्मण था, ये फालतू ब्राह्मण नहीं है। बोला ठाकुर जी स्वयं दे, नहीं कि किसी से दिलवाए, हो सकता किसी से दिलवाए, डायरेक्ट दे एक वही नहीं सकता। बोल के वो जगह के बोले थोड़ा एडिटिंग कर दिया, थोड़ा एडिटिंग कर दिया। और बाद में उसी दिन ब्राह्मण भिक्षा में गया, पूरा दिन कोई भिक्षा नहीं मिला। ब्राह्मण का नियम था जो भिक्षा है उसी दिन वो खाएगा, संचय नहीं रखे। उस दिन कुछ भिक्षा नहीं है, पूरा दिन हो गया। ब्राह्मण ही सोचते रह गए भाई 12-1 बज गया, कब हम रसोई करेंगे ठाकुर जी को देंगे। तब तक दो लड़का आया, एक काला एक धोला, काला धोला आके एकदम बहुत सारे सामान लाया, लाके सब आटा चावल दाल घी सब लेके ब्राह्मण को, ब्राह्मण कर नाम से बुलाया। बोले वो तो नहीं है, वो नहीं हो तो हम जानता है, आटा चावल डाल हम भेज हम इधर रखो। बोले तुम जैसा बच्चा है, ये मासूम बच्चा, तुमको कौन ऐसा बोझ दे दिया है, वो आदमी है क्या है? तुम्हारा सर पे इतना बोझ दे दिया। बोले क्या करे, हमारा सर पे बोझ दे दिया और नहीं तो पीटेगा। बोले जाओ देखे आओ, हम लेके आया है और देखो मारा भी है, दाग दाग दिखाया लाल लाल दाग। कौन? बोले तुम्हारा पति देवता। हमारा पति मारा है तो मारता किसी को नहीं, वो मारा है, देखो दाग है पीठ में। वो चला गया। फिर 3 बजे 3:30 बजे फिर ब्राह्मण, आज कुछ नहीं मिला भिक्खा, कुछ नहीं मिला। वो बोलते रहे, बोले क्या कहते हो बकवास, कितना सारे सामान मार्केट से भेज, मार्केट से हम। बोले हाँ दो बच्चा आया है, दो बच्चा, एक काला एक धुला, और उसको आप पिटाई किया? पिटाई किया हमने? नहीं किया। बोले नहीं पिटाई किया, दिखाया है। हो याद आ गया, अरे हमने उसमें कलम चलाया लाल प्लेन बहामी हम लिख दिया था काट के, हाय भगवान हमको क्षमा करो। ठाकुर जी स्वयं लेते हैं, जैसे माधवेंद्रपुरी बात को दूध का जो भांड है वो लेके आया, ए क्या ध्यान करते हो, मांग के क्यों खाते नहीं? माधवेंद्र बोला तुमको कैसे पता हम खाया नहीं, हमको कैसे पता जी, हमको ये मैया लोग हमको ये दूध का लोटा देके बोला बाबा को दे के दिया, बाबा खाया पिया नहीं, सब सुबह से माला फेर रहा है बैठ के, जा भूखा प्यासा है जय, इसलिए भेजा, हम क्या जाने। कहाँ रहते हो? इसी गांव में रहते हैं, इसी गांव में रहते हैं। और एक काम करो, लोटा को दूध पी के रख देना, बाद में ले जाएंगे। अब लोटा तो लेने के लिए आया ही नहीं, रात को सपने में आया, हम तो गया था, समझा नहीं मैं कौन हूं, मैं तो वही गोपाल है। गोपाल रो, अरे गोपाल रो के एकदम फुट फुट गया, अरे गोपाल आया था, अरे महाराज हम भजन करते रहे माला फेरते रहे, साक्षात आया, हम समझ नहीं पाया क्या तकदीर मेरा फूटा है, रोना शुरू कर दिया।
फिर सपने में बोले रोना धोना बंद करो, अब मेरा सेवा करो। वह है कुंज में मैं हूं, जो जो नाथोद्वार में जो गोपाल है वही गोपाल, मैं जंगल में पड़ा हुआ हूं, हमारा सेवा करो, बहुत दिन से मैं रहा देख रहा हूं, कब माधव आके मेरा सेवा करे, अब आ गया तुम, मेरा सेवा रोना धोना बंद कर, खूब हुआ। ऐसा है ठाकुर जी, तो जोगोक्ष में बहामी हम नहीं, बहाम में हम है। यहां जो है जो बात है चर्चा करते करते इधर आया, और सुतोदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो सृष्टि का आरंभ का चर्चा होने जा रहा है, जब भी हम सृष्टि का जो रहस्य है, ये सृष्टि का जो रहस्य इस चर्चा हम तीसरा स्कंद में करेंगे, क्योंकि एक ही तीसरा स्कंद होने से सुविधा क्या होगा, एक ही साथ मेरा सृष्टि का चर्चा हो जाएगा और सांख्योजोग का व्याख्या सारे हो जाएगा, और दोबारा हम इधर करें तो दोबारा करना पड़ेगा, दिमाग भी खराब हो जाएगा कि बुद्धि कम वाले हैं तो क्या बोल रहे बाबा क्या सब। इधर जो है सृष्टि का वर्णन का पहले मंगलाचरण हो रहा है, वो मंगलाचरण कौन कर रहा है, बोले स्वयं सुखदेव गोस्वामी। बोले मंगलाचरण अभी तक किया नहीं, बोले नहीं भूल गया था बाबा, कथा बोलते बैठे और कथा बोलते बोलते भूल ही गया कि हमारा मंगलाचरण बाकी से मंगलाचरण होना चाहिए ना, मंगलाचरण किया नहीं। अब अभी सुखदेव गोस्वामी परमंश है, उसका तो कोई दोष नहीं है, जैसे हरिनामी तो व्याकरण, हरिनामी तो व्याकरण का पहले कोई मंगलाचरण नहीं है, देख के उसका टीकाकारों ने उत्तर दिया मंगलाचरण है, पहले करके रखा है, इधर नहीं समय नहीं है इसलिए किया नहीं, पहले मंगलाचरण करके आया। कभी भी हमारा भी ऐसा करना पड़ता है, कभी ऐसा सभा है, बड़े सभा विद्वानों का सभा, 10 मिनट टाइम दिया जाए, 10 मिनट का अंदर ये सब विषय में पूरा विचार करना है, और हम जाके बंदे करते रह के होगा है, जय गुरु गुरुंगा जय तो बोल के गुरुवे नमः बस शुरू शुरू कर दिया, तो इसका मतलब कि यह महाराज मंगलाचरण नहीं किया, हम तो मंगलाचरण घर से करके आए हैं कुटिया से, मंगलाचरण किया नहीं, आप देखा नहीं मंगलाचरण किया, खूब किया है लेकिन किसी का नजर में नहीं है, तो ऐसा है विचार। सुखदेव गोस्वामी जी मंगलाचरण भूल गया, अभी मंगलाचरण कर रहे हैं, इसका बारे में सुनो, बाकी आगे हम चलेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्तित्वतयायो देहिनामन्तर्भवायानुपलक्ष्मवर्तने भूयो नमो सद्विजुनच्छिदे असताम असंभवायाखिल सत्तमोत्वये पुंसां पुनः परमहंस आश्रमे व्यावस्थितानां अनुमिग्रादासुसे यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकोस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र सवसा सवसे नमो नमः। क्या बोला, यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकोस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र सवसे नमो नमः। ऐसा करते करते सुंदर मंगलाचरण की, ये मंगलाचरण एक एक शब्द का व्याख्या करो, नमो परस्मै परस्मै आत्मने, संस्कृत में आत्मने पद परस्मै पद है, नमो परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रयायो देहिनाम अंतर्भावायानुपलक्ष पत्मने, माने भले महाराज बात ये है कि ये जो विष्णु हैं ठाकुर जी, जिससे उत्पत्ति स्थिति लय हम तो छोटे से व्याख्या कर रहे हैं, कुछ जस्ट दिग्दर्शन बोला, जिससे सदुद्भव स्थान निरोध ले लया शिष्य स्थिति पलय पालन आदि जिससे होता है,
और जिनका जिनका प्रभाव में ती शक्ति रहितो शक्ति त्रयायो रजतम तम गुण को जो दबा के रखा है। दुर्गा देवी का आराधना होता है, कोई जानता है दुर्गा देवी आराधना का तत्व क्या है? कोई जानता है? कोई सुना? दुर्गा देवी जो है असुर को एक पैर असुर का ऊपर एक पैर सिंह के ऊपर, उसका क्या तत्व है किसी को पता है? कोई नहीं जानता। अब कौन बताएगा? साधु संतों को हटाओ मार के, जो मठ में ना आए तब बहुत ज्ञानी बनोगे। हटा दो, क्यों आया तब तो ज्ञानी बनोगे। हैं कौन बताएगा ये सब? मूर्ख सब जो भी है। इसका बहुत गंभीर चर्चा है इसका विषय में, बहुत गंभीर। आ देवी को स्वयं अगर रजोगुणी बोलो तो अपराध हो जाएगा। क्यों? चंडीपाट में स्वयं है देवी, रजोगुणी नहीं है। काम तो देवता सब रजोगुणी के माफ ही कम रह गए हैं। उधर लिखा हुआ है आनंदमयी माँ लिखा हुआ है। तो आनंदमयी माँ जो लिखा हुआ है वो क्या? जोगमाया तो है, जोगमाया बाहरी दृष्टि में ऐसा। आनंदमयी माँ आनंद किसको बोलता है? जिसका अंदर में तम कोई तम और रजोगुण नहीं है तो वही तो आनंद माँ। तो इसका व्याख्या कौन जाने? बोले माँ रजोगुणी है, माँ रजोगुणी नहीं है। रजोगुण और तमोगुण को दबा के रखा है। सिंह है रजोगुण, उसको एक पैर, असुर तमोगुण उसको दबा के रखा है, नीचे रहना। ये सब बहुत सुंदर का व्याख्या है, कब सुनोगे? चलो फाइट करते रहो, लड़ाई करते रहो, राजनीति करते रहो, हो जाएगा समाधान। यत कीर्तनम जत स्मरणम जदीक्षणम। हम तो कहे तो अभी उठ के चले जाएं, हमारा कोई ये नहीं है। हम अभी बोलो तो अभी कथा कथा हम चले जाएंगे, हमारा कोई बात नहीं। हजारों दुनिया है। बोलिए जत कीर्तनम जत स्मरणम जदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य शब्दो विदुनुत कलमशम तस्मै सुबुद्ध शुभसे नमो नमः। जिसका कीर्तन जत जिसका शरण जिसका दर्शन जिसका वंदनम जिसका जिसका बारे में श्रवण यदर्हणम जिसका अर्चन करना है लोकस्य शब्दो विदुनुत कलमशम हृदय का कलमश को तुरंत नाश कर दे साफा कर दे। ऐसा जो ठाकुर जी है लोकस्य शब्दो विदुनुत इंस्टेंट अभी साफा कर देगा। ठाकुर जी का कथा सुनो तो लोकोत्सव से, लेकिन हमारा हो नहीं रहा है। क्यों? हम अपराध किया इसलिए हमारा दिल साफा नहीं हो रहा है। लोकोत्सव सद्दो विदुनुत कलमशम तस्मय सुभद्र सबसे नमो नमः तस्मय। देवी का चंडीपाठ में कोई अगर कोई लड़का कोई अगर आदमी बोले तो गलती से बोल दे बोले तस्मय बोलता है, देवी को तस्मय बोलता है हैं, नमस्तस्मयी ममस्तस्मयी नमस्त, गलती बोलता है, वो जानता ही नहीं। नमस्तस्मयी नहीं, नमस्तस्मयी स्त्रीलिंग हैं, जानते नहीं ना मूर्ख पंडित। तपस्सीन दान पराजसस्सीन मनस्सीन मंतविदः समंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना जदर्पणम् तस्मै सुभद्र सुभसे नमो नमः। क्या बोला? तपस्सीन दान पराजसस्सीन मनस्सीन मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना जदर्पणम् तस्मै सुभद्र सुभसे नमो नमः। ऐसा बोला कि तपस्वीन दान पराजसस्वीन मनस्वीन मंत्र विदोह सुमंगला क्षेमम क्षेमम न विन्दंती बिना जदर्पणम तस्मै सुभद्र सुभसे नमो नमः। मंगलदायक जो ठाकुर जी का कथा सुभद्र सुभसे नमो नमः। तपस्वीगण तपस्वीगण दानीगण तपस्वीगण दानीगण जसस्वीगण मनस्वीगण मंत्रविदगण किसी का कोई मंगल नहीं होगा जब तक ठाकुर जी को अर्पण ना कर दो। दानी अगर बोले हम दान कर रहे, क्या दान कर रहे हो? तुम्हारा है क्या? तुम्हारा नंगा बन के आए थे, नंगा बन के जाओगे हैं? पंजाब में होता है लेकिन कोई समझता नहीं, पंजाब में होते रहते कीर्तन लेकिन किसी का दिमाग नहीं ऐसा, नहीं दिमाग ऐसा है, अनुभव नहीं है, कोई अनुभव नहीं किसी का, कीर्तन कहते रहते
क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा है? एक कीर्तन उठा ना, भजले हरिका मनुआ, भजले हरिका है, क्या लेकर तू आया जग में, क्या मुट्ठी बंद के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। कितना सुंदर, कितना मुट्ठी बंद के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सब कीर्तन करता है ढुलकी बजा, ऐसा ऐसा ढुलकी फोड़िया, बट देयर इज नो रियलाइजेशन, अनुभव नहीं है। तीर्थ महाराज बोलते रहते, हंसते रहते, बोले फुट एकदम फूट गया ढुलकी, लेकिन एक बूंद भी समझ में नहीं आया। आता तो ऐसा नहीं करते। ऐसा करके तपस्या ध्यान जोश जो कुछ भी है, अगर ठाकुर जी को अर्पण नहीं किया तो कोई मंगल नहीं होगा। खेमम न बिन्न, खेमम न बिन्दंती बिना जदर्पणम तस्मै शुभद्र शुभ से नमो नमः। अभी जो है क्या, थोड़ा बहुत हो सृष्टि का रहस्य बारे में थोड़ा वर्णन है, इसमें हम संक्षेप में बता देंगे। नारद जी महाराज पितामह विश्व, जो हमारा पितामह, नारद जी का तो पिता ही है, नारद जी का पिता ही है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि इतना दिन तक हम लोग सोचा कि आप ही सृष्टि रचना का मूल पुरुष हो, कि बाद में देखा आप भी किसी का वंदना करते हो, क्या मामला क्या है, खुल्ला खुल्ला बताओ तो सही। हम लोग सोचे कि आप ब्रह्मा हो, आप ही सब तमाम दुनिया का मालिक हो, भी कभी कभी देखता आप भी स्तुति करते हो, किसका करते हो, कौन है वो? बोले महाराज ठीक से बताओ। बोले तू जानता नहीं बेटा, मैं जो करता हूँ वो स्वयं ठाकुर। ठाकुर जी वो कौन है? बोलो साक्षात भगवान परात्पर अखिलेश्वर, इसका ब्रह्मा वाचो। बोले ये ठाकुर जी, इसका ऐसा ही प्रभाव है, जिसको जो सेवा में लगा दिया वही करेगा, करेगा ना महाराज। हमने देख के हंस के लुटपुट हो जाता। हमने देखा एक आदमी है, लोहे ठोकते ठोकते पूरा मर गया, लोहे ठोक, उसका काम ही है, ठाकुर जी उसको वही सेवा में लगा दिया है। किसी को बाल कमाने का सेवा में लगा दिया, वो बाल कमा, समाज का बाल कमाते कमाते मर गया। ठाकुर जी जिसको जिस सेवा में लगा दे वही करेगा, और क्या करे, ठाकुर जी का जादू है, है? कई बार बोला एक कोई आदमी को, अरे सिंह जी अब तो भजन करो। हाँ महाराज भजन ही तो करना है, क्या करना है, अब तो रिटायरमेंट का 6 महीना बाकी है, उसका बाद भजन ही करेंगे, 6 महीना हो गया। सिंह जी क्या करते हो, आप भजन करो। हाँ भजन ही तो करना है, एक लड़का लड़की बाकी है, उसका थोड़ा शादी दे दे, उसका बाद ही करेंगे, हो गया उसका बाद हो गया और 6 महीना। सिंह जी क्या है अभी भी भजन, अब भजन ही तो करना है, तो पोता होने वाला है, उसको थोड़ा दे के फिर जाए। ऐसा करते करते राम नाम सत्य हो गया, राम नाम सत्य, ऐसा है भजन हमारा, सब भजन कर रहा है। ऐसा है कि ब्रह्मा जी स्तुति करता है, और ब्रह्मा जी बोल रहे देखो जो जिसको ठाकुर जी जिस माह में लगा दिया पूर्व संस्कार के अनुसार वही करते रहे, तमाम दुनिया वही विचार पे रहे। और ये विचार भी हमने बताया, किसी जगह सुने नहीं होंगे, एक तो है फूलों में मधु रहता है, फूलों में विष भी रहता है, हम व्याख्या किया था, फूलों में मधु रहता है, फूलों में विष भी रहता है, और जिसका काम जो है लुताकीट उसका काम है विष को एक्सपोज करो और मधु को प्रकट कर दो, किसका, मधुमक्खी का काम है। तो हमारा काम जो है हम कर रहा है, और निंदा करने वाला का जो काम है वो करे, तो उसमें क्या नुकसान है मेरा, कोई नुकसान नहीं है। वृंदावन के घाट में बताया था ना एक बार, वृंदावन का वृंदावन में हमारा केसी घाट में एक पंडा वाली कुंज है, वहाँ बहुत दिन हम भजन किया, ठाकुर जी का कृपा से, भजन तो नहीं जानते ऐसे ही बोल दिया, भजन नहीं है रहा, ये ठीक बात है, भजन किया तो गम अहंकार का बात है, भजन नहीं किया तो। वहाँ देखे केसी घाट के किनारे एक सेठ जी दिल्ली से आया,
बड़ा कंबल का ढेर लगाया और एक एक कंबल संतों को बांट रहा है, एक एक संत सब लाइन देखे कंबल ले रहा है। और एक बदमाश क्या है, वो कंबल लेके गया एक साधु, वो साधु तो नहीं है राक्षस है, कंबल लेके गया आधा घंटा फिर लाइन में खड़ा हो गया। आके बोले कंबल लेने के लिए, सेठ जी बोले महाराज ये तो कंबल लिया है नहीं लिया। और चपरासी बोले लिया नहीं, बोले हाँ महाराज लिया है। ए लिया है लोग दोबारा क्यों ले रहा, नहीं दिया जा नहीं देंगे। तो नहीं दिया तो केसी घाट का जो सीढ़िया है नाने का घाट जो है वहां बैठ के गाली दे रहा है सेठ जी को, एकदम गाली गाली बंद नहीं होता, गाली दे रहा है। एक संत ने आके बताया सेठ जी आपको गाली दे रहा है उधर बैठ के, कौन? बोलो वो जो कंबल आप नहीं दिया तो गाली दे रहा है। सेठ जी हंस के बोला महाराज उसका पास जो है वो दे रहा है, उसका पास गाली है हमारा पास कंबल है कंबल दे रहा हूँ, उसका पास गाली है गाली दे रहा है, जिसका पास जो है वही देगा, उसका पास गाली है निंदा है चुगली है वो करे और हमारे पास जो है हम देते रहे, क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं, क्या समस्या है? उसका पास है ही है। एक सांप का पास क्या रहता है, जहर रहता है, उसको जितना दूध पिला कुछ पिला, हम तो व्याख्या किया ना पहले, फोनी फोनी जो सांप, फोनी पित्वा गरलम है पित्वा खीरम, फोनी जो है सांप जो है, फोनी पित्वा खीरम बमती गरलम दुस्सहत, फोनी जो सांप है वो खाता तो पीने के टाइम में दूध और कला खेल गया, लेकिन उगालने के टाइम में तो बीस ही गोलेगा। तुम्हारा हृदय में अगर 20 है तो 20 ही उगलो दिन रात, क्या हमारा क्या नुकसान है, हमारा क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं होगा हैं, हम तो जवाब दे देते हैं, हम डरते नहीं किसी को। तो यहाँ जो है ब्रह्मा जी ठाकुर जी का वो आंखें मुद के तब वंदना कर रहे हैं, तस्मै नमः भगवते वासुदेवाय धीमहि जन्मयाय दुर्जयाय दुर्जयाय मायां वदन्ती मां वदन्ती जगद्गुरुम, तस्मै नमः भगवते वासुदेवाय धीमहि जन्मयाय दुर्जयाय मां वदन्ती जगद्गुरुम। कितना सुंदर देखो, ब्रह्मा बोले ओ ठाकुर जी का चरण में मेरा नमन है, ओ ठाकुर जी को मैं दंडवत करता हूँ, जो ठाकुर जी का मोह माया से ये जगतवासी मेरे को मालिक समझा। कितना सुंदर, ये जगतवासी सोचा कि हम मालिक है सृष्टि करता है, ये ठाकुर जी का मोह का फल है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि जन्मयाया दुर्जयाया मांग बदंत जगत गुरुम, हमको जगत गुरु मानता है जगतवासी, लेकिन हम जगत गुरु नहीं है। कृष्णम बंदे जगत गुरुम, कृष्णम बंदे जगत गुरुम, कृष्ण जगतवासी है, जगत गुरु है तो कृष्ण है। बिलोज्जमाना या जस्सोस्ता तुम इच्छा पथे अमुआ विमोहिता विकथन्ते ममाहमीति दुर्धियो, बिलोज्जमाना या जस्सोस्ता तुम मिख्या पथे अमुआ, जो मायादेवी ठाकुर जी का नजर का सामने आ नहीं सकती, बहुत शर्म होता है मायादेवी, मायादेवी ठाकुर जी का नजर के सामने नहीं आती। व्यासदेव का दर्शन हुआ था पहले, पीछे मायादेवी, पीछे मायादेवी सामने नहीं आती। और बिलज्जमानया जस्सो स्थातुम, स्थातुम माने रहना नहीं चाहती, बहुत शर्मिंदा होती। बिलज्जमानय जस्सो स्थातुम इच्छा पथे अमुआ, ठाकुर जी का नजर के सामने आने में बड़ो शर्मिंदा हो जाती, कौन? जो माया देवी और जिसको जिसका माया पे जिसका माया का प्रभाव के द्वारा विमोहिता विकथते विकथन्ते, बहुवचन है ना विकथन्ते ममा ममाहमीति दुर्धियो, सामान्य आदमी हमारा है ये हमारा है ये हमारा है ये हमारा मठ है। अरे मठ कोई किसी का होता है, मठ हमारा है, मठ हमारा है, ये चामार लोगों का बात है, हमारा मठ नहीं, मठ तो संतों का मठ है, हमारा मठ नहीं बोला जाता, हमारा मठ कैसे है, हमारा मठ है भक्ति मठ, जो भजन करता है उसका मठ है, मठ कोई कोई घर नहीं है, गृहस्थी लोग बोलता है हमारा मठ है, केशव गोस्वामी बोलता है तो चामार, केशव गोस्वामी महाराज बोलते थे चामार है, केशव गोस्वामी हम नहीं बोला, बोले चामार लोग ऐसा बोलते हैं, बोले ये जो हमारा है
ये जो हमार वाला बात जो है यही सबसे बड़ा माया है। अभी हम एक श्लोक उच्चारण करके यहाँ समाप्त करेंगे और सायंकालीन अधिवेशन में ध्यान से सुनना, जितना समय दोगे उतना ही रह पाएगा क्योंकि कथा रह जाएगा और बाकी चर्चा तो यही है। नारायण परावेदा देवा नारायणांगज नारायण परालोका नारायण परामख नारायण परो योगी जोगो नारायणो परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायणो परागति वांछा कल्पतरुष्य के बासिंद व्यवस्थ पतितानं पावन भवष्यभ्यो नमो नमः। चतुश्लोक की व्याख्या शाम को होगा, ध्यान से सुनना और समय देना। समय नहीं होने से होगा नहीं, समय से आना, नहीं तो घर जाके बैठ जाओ कुछ नहीं।